हेलो फ्रेंड्स, सगुन ब्यूटिक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको धोती वाली सलवार की कटिंग सिखाऊंगी। उसके लिए हमने ये कपड़ा बिछा लिया है, ये डबल कपड़ा है हमारा। अब इसको जैसे समोसा टाइप बिछाते हैं ना, ऐसे बिछा लेंगे। हमारे सलवार की लंबाई है 38 इंच, तो हम 38 इंच ले लेते हैं यहाँ से। ऐसे ये लेंगे 38 इंच, इसको सीधे मिला लेंगे ऐसे। अगर आप ऐवी चाहिए तो तिरछे में मिला लेंगे, ऐसे मिला लेंगे तिरछे में। और इसका ऐसे निशान लगा देंगे, यहाँ पे यहाँ तक लगा देंगे। अगर आपको सीधी चाहिए, कम चाहिए प्लेट, तो इसको ऐसे सीधे मिला लेना। और हमने इसमें से आसन, अब इसमें से आसन निकाल लेंगे। हमारे आसन की लंबाई 9.5 इंच, तो यहाँ से 9.5 इंच का निशान लगाया और ऐसे 2 इंच ले लिया गोड़ाई के लिए। इसको यहाँ से तिरछा मिला देंगे ऐसे, ये तिरछा मिला दिया और यहां से अब गोड़ाई कर देंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे और जो ऊपर कपड़ा बच गया ना, इसमें से बेल्ट निकलाएगी और यहां से 2 इंच लेंगे ऐसे कोने पर से। इधर भी 2 इंच ले दिया और इधर भी 2 इंच ले दिया, यहां पे गोलाई कर देंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ से हम मोरी का निशान लगा लेंगे, जितनी हमने मोरी रखनी है। हमने 7 इंच की रखनी है, यहाँ पे ऐसे निशान लगाया और यहाँ पे कट दे देंगे। ये कट दे दिया, थैंक हो गई। और जो हमारा कपड़ा बच गया था, उसमें से हम काट लेंगे बेल्ट। हमारे बेल्ट की चौड़ाई है 22 इंच, तो हम 24 ले लेंगे। इसकी चौड़ाई है 7.5 इंच और लंबाई है 24 इंच। ऐसे हम निशान लगा के कट कर देंगे इसको। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।